jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। कैथल पुलिस ने सोमवार रात को 3 लोगों को 80 नोटों की गड्डी के साथ पकड़ा है। चौंकाने वाली बात ये रही कि इनके पास से मिली गड्डियों में ऊपर और नीचे 500 रुपए लगे हुए थे, बाकी अंदर सिर्फ प्लेन पेपर लगा हुआ था। ये तीनों इन नोटों को नकली नोट बताकर ग्राहक फंसाते थे और उन्हें प्लेन पेपर देकर फरार हो जाते थे। पुलिस मंगलवार को तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी और रिमांड पर लेगी। आरोपियों का कहना है कि फिल्म देखकर ये आइडिया आया। CIA पुलिस इंचार्ज महाबीर ने बताया कि डाबी गांव का सोमी और कलहेड़ी गांव का राजबीर व सुनील असली और नकली नोट के नाम पर ठगी करते थे। वे लोगों को पहले 500 रुपए का असली नोट देकर ये कहते थे कि ये नकली नोट है, इसकी कॉपी इतनी जबरदस्त की गई है कि ये बिल्कुल असली जैसा लगता है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। लोग जब उस नोट को मार्केट में चला देते थे तो वे चल जाता था, क्योंकि असली नोट होने की वजह से उसे कोई लेने से मना ही नहीं कर सकता। ऐसे में जब सामने वाले का विश्वास पक्का हो जाता था तो वे मोटी रकम को आधे पैसे में डबल करने की बात कहते थे। इसके बाद वे 10,000 के बदले 5,000 रुपए लेते थे। जब पैसे देने की बात आती तो गड्डी में ऊपर और नीचे असली नोट लगाकर बीच में कोरा कागज लगा देते थे। नोट की गड्डी साइड से देखने में भी असली लगे, इस वजह से पेंसिल से साइड में लाइनिंग मार्च देते थे। CIA इंचार्ज महाबीर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग नकली नोट देने आ रहे हैं। उन्होंने बाबा लगाना गांव के पास नाकाबंदी की। पुलिस ने आरोपियों की स्विफ्ट कार को रुकवाने की कोशिश की तो उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने उनका पीछा किया। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद आरोपियों की गाड़ी के सामने एक आवारा पशु आ गया। उसे बचाने के लिए उन्होंने जैसे ही कट मारा तो गाड़ी अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित गाड़ी पेड़ से जा टकराई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 80 गड्डियां मिली हैं। इन सभी गड्डियों में ऊपर और नीचे ही असली नोट लगा है, अंदर कोरा कागज लगाया हुआ था। पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी।